दोस्तों नमस्ते कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और सभी लोग बहुत बहुत प्यारे होंगे हमारी यूट्यूब फैमिली तो दोस्तों इधर हो चुकी है सुबह और हमारे ब्लॉग की शुरुआत हमने कर दी है तो इधर हम जब से उठे हैं सुबह से ही बारिश हो रही है चार बजे से तो अभी तो छः बजे का टाइम है तो हम नहा चुके हैं और आज थोड़ा जल्दी उठे थे क्योंकि श्रा तक को स्कूल भी जाना है और उसके लिए लंच भी बनाना है तो इसीलिए जल्दी से नहा लिया है और साथ में कपड़े भी धुल के डाल दिए हैं सुबह के टाइम ही कपड़े धुल के डाल देते हैं क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है तो, तो सुबह ही धुल तो सूख भी जाते हैं नहीं तो फिर नहीं सूख पाते हैं बारिश होने लगती है और हमारे यहाँ तो डेली ही, ही होती है बारिश तो इधर हम ना कर आ गए हैं और उसके बाद हमने बढ़ने के लिए रख दी है चाय तो जब तक हमारी चाय पकेगी तब तक हम लगा लेते हैं आटा तो थोड़ा सा नमक डाल के आटा हमने लगा लगा लिया है और अभी चाय हमारी खोल खोल जाएगी उसके बाद डालेंगे दूध तो चाय पक रही है जब तक आटा हमारा अच्छे से लग जाएगा और तक के लिए बना देंगे पूड़ियाँ और सब्जी हमारी कटी हुई रखी है तो सब्जी आज हम सब्ज़ी में बैंगन आलू की सब्जी बनाएंगे तो सब्जी बनाने में टाइम लग जाएगा तो हमने कहा चलो पहले पूड़ियाँ निकाल देते हैं सब्जी झोंकेंगे तो उसमें दो तो, तो तीन पूड़ियाँ निकाल देंगे सार्थक के लिए और बाद में सब्जी छोंक देंगे तो पहले चाय बनाकर पी लेते हैं फिर बनाते हैं क्योंकि साढ़े सात बजे आती है सार्थक को गाड़ी लेने के लिए तो हमने कहा चलो अभी आराम से कर रहे हैं अभी तो सवा छः बजे हुए हैं तो इधर हमने थोड़ा सा तेल थोड़ा सा ही डाला है क्योंकि सार्थक के लिए ही बनाएंगे तो इधर हमने चार पूड़ियाँ निकाल दी हैं दो शारक को रख देंगे और बाबू भी खा लेगा थोड़ा बहुत उसके लिए नमक डाल के बना दो तो छोटा वाला भी खा लेता है थोड़ा बहुत पराठे या पूड़िया वगैरह नमक वाले तो उसके लिए भी बना लेंगे थोड़ा ही थोड़ा ही बहुत खाता है ज़्यादा नहीं बस ऐसे थोड़ा थोड़ा खिलाते रहते हैं तो आदत पड़ जाएगी खाने की और तो इधर हमारी सब्जी भी कटी हुई रखी है तैयार रखी है सब्जी हमारी तो पूड़ियाँ निकाल के उसके बाद सब्जी इसी में छोंक देंगे और उधर सार्थक को भी तैयार करना है अभी तो सब्जी छोंक देंगे उसके बाद सार्थक को तैयार करेंगे जब तक हमारी सब्ज़ी पक जाएगी तो दोस्तों इधर हमारी पूड़ियाँ बन चुके हैं उसके बाद हमने डाल दिया है लहसुन तो तेल थोड़ा ज़्यादा था तो हमने निकाल लिया है तेल निकाल दिया था थोड़ा सा सब्ज़ी छोंकने के लिए थोड़ा सा रखा था तो इधर आज हम बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बना रहे हैं क्योंकि लेट हो गए थे तो हमने आज सील पर मसाला नहीं पीसा है ऐसे नमक मिर्च और हल्दी वगैरह डाल के ऐसे ही बना लेंगे सब्ज़ी तो बस ऊपर से ही मसाले सूखे डाल दिए थे हमने वैसे तो हम भून लेते हैं पहले ही मसाले पानी में घोल कर भून लेते हैं और बाद में भी छौंका लगाते हैं सब्जी में बाद में फ्राई करते हैं तो आज हमने बस डायरेक्ट छौंक कर ऐसे ही मसाले डाल दिए हैं जल्दी जल्दी में क्योंकि सार्थक सब्जी ले जाना था इसीलिए तो बस सब्जी हमारी छौंक गई है जब तक सब्जी पकेगी तब तक तैयार कर देते हैं सार्थक को और इधर सार्थक भी नहाकर आ गए हैं तो उनको भी तैयार कर देते हैं और ये कपड़े पहना देते हैं तो स्कूल की ड्रेस यही है जो कि जो शर्ट है तो अभी पैंट नहीं है तो हमने कहा चलो जब तक शर्ट ही बना देते हैं तो ये छोटी वाली बिटिया की शर्ट है तो हमने कहा जब तक इस चीज़ से काम चला रहे हैं ड्रेस वाली है जो उसी स्कूल में पढ़ती थी इतनी बड़ी थी तब तो तब की रखी हुई है तो हमने कहा चलो तब तक इस चीज़ से काम चला रहे हैं तब तक सार तक की सिल जाएगी ड्रेस और पैंट भी नीला ही चलता है तो ये जींस का पैंट भी रखा हुआ था नीला तो हमने कहा चलो जब तक ये मैचिंग का है ड्रेस की तरह तब तो तक यही पहना कर भेजते हैं तो इसको तैयार कर कपड़े हमने पहना दिए हैं और बाकी का तक के पापा तैयार करेंगे तो तब तक हम ना इनका टिफिन लगा देते हैं सार्थक भी स्कूल चले गए थे और सार्थक के पापा भी खाना पीना खाकर वो भी ना तैयार होकर चले गए हैं दुकान पर और हमारा खाना पीना हो चुका है तो उसके बाद अब हम धुलने लगे हैं बर्तन तो ये दस बजे का टाइम है लाइट भी आ गई थी तो यहाँ पे पानी खत्म हो चुका तो तो पानी भर लिया है पहले हमने उसके बाद बर्तन धुलना शुरू कर दिया है तो हमारे यहाँ न दस बजे लाइट आती है सुबह चली जाती है सात बजे फिर दस बजे आती है जब तक तो पानी ख़त्म हो जाता है नहाने में तो सभी लोग नहा लेते हैं तो पानी ख़त्म हो जाता है तो इसीलिए थोड़ा लेट हो जाते हैं बर्तन धुलने में पानी ही ख़त्म हो जाता है दस बजे लाइट आती है तब तक तब बर्तन धुलते हैं वैसे खाना हमारा जल्दी बन जाता है पर पानी की वजह से बर्तन पड़े रहते हैं धुलने के लिए जब लाइट आती है तभी ही धुलते हैं बर्तन और वैसे नल भी है हमारे चाची के यहाँ लगा हुआ है तो नल से भी ला सकते हैं पानी पर लाइट आ जाती है तो एक दो घंटे रुक जाते हैं कोई मतलब इतना वो नहीं है कि नहीं नहीं नल से भर के तभी जल्दी से धुल के रख दें तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है तो इसीलिए फिर हम एक दो घंटे रुक जाते हैं तो फिर ए, उसके बाद ही बर्तन धुलते हैं जब लाइट आ जाती है सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं हमें बहुत ही अच्छा लगा और हमारी पूजा दीदी ने बहुत ही प्यारा कमेंट किया है तो पूजा दीदी बोल रही हैं कि आपका घर भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी काम भी हो जाता है दो बच्चों के साथ तो हाँ सिस्टर जी काम तो बहुत हो जाता है और घर भी बड़ा है तो और थोड़ी दिक्कत हो जाती है दो बच्चों बच्चों में छोटे छोटे हैं ना अभी बड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं पर छोटे छोटे हैं अभी तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है काम करने में और फिर वीडियो भी एडिट करना पड़ता है हमें तो बहुत ही मुश्किल होता है ये वीडियो वाला काम करने में बहुत ही मुश्किल से हम कर पाते हैं ये सब पर फिर भी करते हैं हार नहीं हमें मानना है कहते हैं कि ए, लगे रहो रस्ते मतलब रास्ते चलते रहो मंजिल खुद पे खुद अपने आप मिल जाएगी और चलना मत बंद करो तो इधर सार्थक भी आ गए हैं स्कूल से एक बजे इनकी छुट्टी होती है तो ये आ गए हैं स्कूल से और ये स्कूल में रोते रहते हैं क्योंकि अभी पहली बार ही स्कूल गए हैं काफ़ी दूर पड़ जाता है तो इसीलिए रोते हैं जाने में स्कूल में भी रोते हैं पर आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे जब जाते रहेंगे और इधर ये है जींस का पैंट तो एक पैंट पड़ा हुआ था पुराना फट गया था तो हमने कहा चलो इसका कुछ बना लेते हैं तो इसकी हम बनाएंगे झोली जो कि छोटी मोटी सामान होती है तो बहुत ही दिक्कत होती है ढूंढने में कभी इधर कभी उधर रख देते हैं तो ध्यान नहीं रहता है तो हमने कहा चलो एक झोली सी बना लेते हैं दीवाल पर टांग देंगे तो सारी चीज़ें छोटी मोटी जो भी हैं इसी में रख देते हैं रख देंगे बनाकर। तो इधर हमने झोली अपनी काट के रख दी है और बादल आ गया था तो इधर हमने कहा चलो कपड़े सूख गए हैं तो अपने कपड़े घरी करके रख देते हैं बारिश भी आने वाली है तो इधर कपड़े घरी करने लगे हैं हम कपड़े घरी करके रख देंगे उसके बाद बाकी के काम देखेंगे और हमारी निवेदता दीदी भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं और हमारा ब्लॉग देखती हैं तो दीदी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी पूजा दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं और जो दोस्त न्यू आते हैं हमारे चैनल पर और वीडियो देखते हैं कमेंट नहीं कर पाते हैं तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद बस आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिएगा ढेर सारा प्यार देते रहिएगा और इधर अब हम आ गए हैं सर तक को पढ़ाने के लिए तो इधर सर तक पढ़ने में बहुत ज़्यादा डरते हैं तो इधर ये पढ़ रहे हैं इनको किताबें भी मिल गई हैं स्कूल में तो दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक रहेगा कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते